अजमेर के सर्वर चिश्ती का एक विवादित बयान सामने आया है। चिश्ती ने कहा, लड़की चीज ही ऐसी है, बड़े से बड़ा फिसल जाता है। बताया जा रहा है कि चिश्ती ने यह बयान फिल्म अजमेर 92 को लेकर दिया है। इस बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सर्वर चिश्ती पर निशाना साधा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जो लोग महिलाओं को खेती समझते हैं, जो उनसे हलाला करवाते हैं, वो भला नारी को भोग्या से अधिक और क्या समझेंगे। शर्म आती है कि ये भारतीय है। वहीं इसी बात पर सर्वर चिश्ती ने कहा, आदमी पैसों से करप्ट नहीं हो सकता, मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता, लड़की चीज ही ऐसी है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। इससे पहले सर्वर चिश्ती ने कहा कि पहले कश्मीर फाइल, उसके बाद केरला स्टोरी और अब अजमेर फाइल्स 92 बनाई जा रही है। जहां भी चुनाव होते हैं उसे पहले इस तरह की मूवी तैयार की जाती है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में पब्लिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह अजमेर 92 मूवी में 250 लड़कियों को रेप और ब्लैकमेल का शिकार बताया जा रहा है, जबकि उस समय मात्र 12 लड़कियों ने ही शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फिल्म में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और एक शिक्षण संस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और दरगाह से जुड़े खादिम समुदाय चिश्ती को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्लैकमेल में कई लोग शामिल थे, लेकिन बदनाम सिर्फ खादिम समुदाय को ही किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विनोद बंसल इस मामले में कहा कि फिल्म अजमेर 92 पर अजमेर दरगाह खादिम सर्वर चिश्ती के इस घिनौने बयान ने फिल्म की प्रासंगिकता पर स्वतः मुहर लगा दी है। बंसल ने कहा, सर्वर चिश्ती ने कहा कि लड़की चीज ही ऐसी, हर कोई फिसल जाता है, क्या ये व्यक्ति अपनी माँ को भ्रष्ट नहीं कह रहा है जिससे ये पैदा हुआ। बंसल ने यह भी कहा कि जो लोग महिलाओं को खेती समझते हैं, जो उनसे हलाला करवाते हैं, वो भला नारी को भोग्या से अधिक और क्या समझेंगे। शर्म आती है कि ये भारतीय है। जन्नत में जाकर भी बहुत हूरों से अय्याशी का सबज बाग देखते हो, जो उन्हें 3 तलाक, हिजाब और काले बोरे में कैद रखने का मजबूर करते हैं, वे भला नारी को भोग्या से अधिक और क्या समझे। इसके बाद अजमेर में खादिमों की संख्या अंजुमन सैयद जादगन के सचिव सर्वर चिश्ती के द्वारा लड़कियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर विरोध तेज हो गया। सोमवार को अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सर्वर चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डिप्टी मेयर ने पत्र में लिखा कि सचिव के द्वारा महिलाओं के संबंध में ऐसी टिप्पणी किया जाना अत्यंत ही निंदनीय है, जो महिलाओं और लड़कियों के संबंध में मानसिकता एवं सोच को दर्शाता है। वहीं डिप्टी मेयर नीरज जैन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को पत्र लिखकर बताते हैं कि अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुम सैयद जादगान के सचिव सर्वर चिश्ती का एक वीडियो वर्तमान में वायरल हो रहा है, जिसमें सर्वर चिश्ती द्वारा लड़कियों के संबंध में अभद्र टिप्पणी करते हुए लड़कियों को एक चीज संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़ा आदमी फिसल जाता है। बता दें कि फिल्म अजमेर 92 14 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म सेक्स स्कैंडल ब्लैकमेलिंग पर आधारित है। फिल्म निर्माताओं का दावा है कि फिल्म उन 250 लड़कियों की कहानी जिन्हें जाल में फंसाया गया और उनका रेप किया गया और फिर उन्हें सिलसिलेवार ब्लैकमेल किया गया। इस केस में सबसे पहले अजमेर के एक स्कूल की लड़की को फंसा कर उसके न्यूड फोटोज क्लिक किए गए थे और उसके बाद फोटो के आधार पर उसे और लड़कियों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और फिर एक चेन बंधी गई जिसमें कई सारी लड़कियां शिकार बनी। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अजमेर 92 को पुष्पेंद्र सिंह ने निर्देशित किया है। फिल्म करण वर्मा, सुमित सिंह, अलका अमीन, राजेश शर्मा, ईशान शर्मा और आदि कलाकारों के साथ इसमें शामिल